नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही यूट्यूब चैनल और मैं हूं सूरज कुमार। बेरमो विधायक रहे राजेंद्र प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही बेरमो पहुंचा, लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आवास पर पहुंचे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की परिस्थिति की वजह से उत्पन्न हालात के मद्देनजर शारीरिक दूरी को लेकर कई उपाय किए गए थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह के अंतिम दर्शन करने वालों में कई मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद सहित विभिन्न श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों का तांता लगा हुआ था। वहीं बेरमो सहित विभिन्न जिला और अन्य राज्य से भी लोग पहुंचे थे। ये कुछ तस्वीरें हैं राजेंद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते लोगों की। आज बेरमो का एक अस्तित्व की निधन हो गई है। ये मजदूरों का नेता रहे, कांग्रेस में भी लंबे समय से नेता रहे, 6 बार विधायक रहे, आप इनकी निधन पर क्या कहेंगे और क्या शोक व्यक्त करेंगे? आज बेरमो निश्चित रूप से जिस अपेक्षाएं मजदूर के इनके प्रति और मजदूरों को इनके प्रति जो श्रद्धा और प्रेम अपने जीवन निश्चित रूप से मजदूरों को बीच में ही ये बिताए और एक सच्चा मजदूर नेता थे। आज निश्चित रूप से हम लोग भी एक मजदूर ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ चलाते हैं। कभी लगा नहीं जब मजदूरों की बात आती थी तो राजेंद्र बाबू निश्चित रूप से हम सब एक मजदूर के लड़ाई में एक हो जाते थे और एक अपूर्णीय क्षति है मजदूरों की और बेरमो के निश्चित रूप से जनता का भी एक क्षति है। ये ऐसे हस्ती आज हमारे बीच में नहीं रहे और ये दुखद घड़ी है। आज बहुत अपूर्णीय क्षति पहुंची है बेरमो में, इसमें आप क्या कहेंगे सर? इनके जगह में क्या होगा, कितनी इनकी भरपाई लोग क्या कर पाएंगे भविष्य में? राजेंद्र बाबू भरपाई तो कोई नहीं कर पाएंगे, बहुत पारिवारिक संबंध रहा इस परिवार से और आगे भी रहेगा। भगवान से इतनी प्रार्थना है कि इनको स्वर्ग में जगह मिले
उनके परिवार को, बाल बच्चों को सांत्वना दे, और जो इनके लोग हैं, जो मजदूर साथी हैं, जिनको इनसे प्रेरणा प्यार, वो जो इनका रास्ता बनता है वह उस पर चले, उन्हें सच्ची सरस्वती बात है। बोकारो से विजय कुमार सिंह के साथ संदीप कुमार और मनोज कुमार की रिपोर्ट।